खास संभल की, जहां मस्जिद के सर्वे पर भड़की हिंसा पर एक्शन जारी है। पुलिस ने एक और आरोपी फरहत को गिरफ्तार किया है। इससे बहुत बड़ी गिरफ्तारी बताया जा रहा है। आरोप है कि हिंसा के बाद फरहत ने एक वीडियो बनाया, वो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में फरहत ने बेहद उकसाने वाले भाषा का इस्तेमाल किया। अब तक कुल 28 गिरफ्तारी हो चुकी है फरहत की गिरफ्तारी के साथ साथ। पुलिस वीडियो में कैद 100 आरोपियों की भी पहचान कर रही है। इसके लिए 30 टीमें बनाई गई। तो 7 FIR है, 900 आरोपी बनाए गए हैं, 28 अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 4 महिला भी हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है। पत्थरबाजी में उनका रोल भी नजर आता था। जांच में 30 टीमें लगी हैं। 100 आरोपियों की तस्वीर अभी सामने रख दी गई है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि ये इनमें से किसी को अगर पहचानते हो। बहुत सारे ऐसे थे जो नकाबपोश थे, उनको भी पहचानने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रशासन कह क्या रहा है उसको सुनिए जरा। अभी तक टोटल पुलिस की तरफ से 7 FIR हुए हैं। 4 FIR जो मृतक इस घटना में हुए उनकी परिवारों की तरफ से हुए हैं। टोटल 27 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं, 3 नाबालिग हैं जिनको जुवेनाइल होम भेजा गया है। 74 लोग अभी लोगों की मदद से और कैमरे और वीडियो फोटो की मदद से आइडेंटिफाई किए गए हैं। बाकी लोगों के आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। उसमें हमने लोगों की मदद लेने के लिए उनके वीडियो और फोटो भी जारी किए हैं ताकि उनको आसानी से पहचाना जा सके। संबलपुर सियासत भी जबरदस्त है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंसा के पीछे सियासी मकसद का इशारा किया। और जो संबल में हुआ है, संबल में हुआ नहीं है, कराया गया है। जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है जो प्रशासन छिपा रहा है कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे, जो नारे लगाने वाले थे उन पर कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पर मुकदमे दर्ज हुए? कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था? कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को खत्म कर करके, भाईचारा खत्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था, आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं? ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जनता पिस रही है। और सच्चाई तो ये है, अब देखते हैं कि राजधर्म कौन अपनाएगा, राजधर्म पर कौन चलेगा। आज तक से बातचीत में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। सनातन की बात की आपने, एकता की बात की, लेकिन अभी हमने देखा कि संभल में जो कुछ हुआ, बड़े संख्या पे वहां पे हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, कई लोगों के खिलाफ अब FIR हुई है। अब तो तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई है जिन्होंने गोलियां चलाई थी। हाँ देखो, वो तो न्यायालय पे हमला है। संभल में न्यायालय पे हमला हुआ और हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा लोग विश्वास रखें। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी संभल से जुड़ चुके हैं और सीधे आपको जरा वहां की स्थिति समझने के लिए संभल ही लिए चलते हैं। हिमांशु जरा बताइए, वहां हालात क्या पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं? तस्वीरों के माध्यम से समझाइए और दिखाइए। बिल्कुल, जो पूरा शहर है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो था, यहां पर दुकानें नहीं खुल रही थी, जिसके अभी कुछ देर पहले ही मस्जिद से ऐलान किया गया था और लोगों से कहा गया कि वो दुकानें जो हैं मस्जिद के सामने की जो लगातार बंद हैं वो खोलें, क्योंकि किसी तरीके की कोई बात नहीं है। पुलिस की मौजूदगी जरूर है लेकिन इन दुकानों को खोलना चाहिए, जिसके बाद आप देखिए यहाँ पर अब दुकानें खुलनी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था सोमवार, रविवार को हिंसा हुई थी तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार लगातार ये दुकानें बंद थी, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद कि लोगों को अपनी दुकान खोलनी चाहिए, आप देखिए धीरे धीरे इस जगह की भी दुकानें जो तकरीबन 200 मीटर का पूरा रेंज था, यहाँ पर एक भी दुकान नहीं खुल रही थी, अब लोग अपनी दुकानों को यहाँ पर खोलने लगे हैं, लोग यहाँ पर आने लगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभी जो अनाउंसमेंट किया गया था कि जावा कल जुम्मा है, देखिए तो कल के दिन ज्यादा भीड़ न लगे, इसके लिए भी एक अपील की गई है। अभी इसी मस्जिद से अपील की गई थी कि जहां तक हो सके जुम्मे के दिन
जामा मस्जिद पर ज्यादा भीड़ नहीं लगा है, जितना हो सके अपने घरों के आसपास की जो मस्जिद है वहीं पर नमाज पढ़ें। यहां पर हम देखें क्योंकि पुलिस ने जुमे के दिन के लिए इस पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं, जो अभी भी आप देखिए तो इस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग जारी है, लगातार पुलिस के लोग हैं और लगातार नजर बना के भी रखे हुए, हर किसी से बात कर रहे हैं। आप देखिए आगे आपको पूरी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे और बेसिकली वो जो दुकानें खुल रही हैं वो लोगों में इनकी कोशिश है कि विश्वास पैदा हो, यहाँ पर वो बात करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, और देखिए इस संभल में हालात जो है जैसा आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं तेजी से सुधर रहे हैं। अब मस्जिद से भी अपील की जा रही है कि लोग आए और अपनी दुकानों को खोले। क्या है अनाउंसमेंट, क्या हो रही है? अपने अपने मांगे की मस्जिदों में गुरु की नमाज पढ़ने जैसे पढ़ेंगे।